हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्न अभी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम तो देखने वाले हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन का बेसिकली मतलब होता है सांस लेना तो रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल्स तो हम लोग जो सांस लेते हैं रेस्पिरेशन होता है प्रोसेस उसमें क्या होता है ऑक्सीजन हम लोग ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं तो जो खाना हम लोगों ने खाया हुआ होता है ना उस खाने से हमारे जो हमने ऑक्सीजन इनहेल करी है वो खाने से जाकर के फूड पार्टिकल से अटैच होती है उन फूड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और उसी की वजह से हमें एनर्जी मिलती है तो खाना जो हम खा रहे हैं वो पचने के बाद उससे जब एनर्जी हम लोग को चाहिए होती है तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीज ऑक्सीडेशन की यानी कि ऑक्सीजन की हम लोगों को ज़रूरत होती है तो रेस्पिरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फ़ूड सब्सटेंसेस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल्स तो नाक से हम लोग सांस लेते हैं फिर इस तरीके से हमारा ये जो है प्रोसेस आता है सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में उनमें ऑक्सीजन का जाना और फिर वहीं से ही एनर्जी रिलीज होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स ठीक है ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस तरीके की रेस्पिरेशन को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं तो रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है एन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कई सारे तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो अलग अलग जो है ऑर्गेनिजम्स का एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व बट जितने भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं और उस रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है ग्लूकोज की फॉर्म में होती है ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन टू अ थ्री कार्बन मॉलिक्यूल कॉल पायरूविक एसिड तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो उसमें क्या होता है कार्बन मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन ही होता है तो जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है टूटता है कार्बन मॉलिक्यूल्स में जिसको पायरू pyru, मतलब पायरुवेट कहते हैं द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइट्रोप्लाजम तो ये जो ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है फूड पार्टिकल्स का और जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है ना ये साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस चलता है ईस्ट जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं द पायरुविक एसिड कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन तो फर्मेंटेशन होता है ईस्ट में ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है एन एरोबिक रेस्परेशन इसमें होती है तो देखो ये वाला जो डायग्राम है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज जो होता है वो इस तरीके से पायरुबिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो टू ए डी पी एडिनो डाइफॉसफेट है ट्राइफॉस्फेट ए टी पी होता है ये एनर्जी इससे रिलीज होती है तो ईस्ट जो है उसमें जो पायरुबिक एसिड होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है इसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं ये एनरोबिक रेस्पिरेशन होती है एनरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कोई भी ऑक्सीजन इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही है ईस्ट में जो फर्मेंटेशन होता है अब ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इससे बन रहा होता है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो टू ए टी पी की एनर्जी हमें इस प्रोसेस में मिलती है एनोरॉबिक रेस्पिरेशन जो कि ईस्ट सेल में हो रहा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है जैसे कि ह्यूमंस में द पायरोवेट जो होता है ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ट्रिया और ये किसमें होता है माइटोकॉन्ट्रिया में ये प्रोसेस हो रहा होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन से एक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी थर्टी सिक्स ए की एनर्जी मिलती है हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में और टू एटीपी की मिल रही थी एनारोबिक में तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज थर्टी सिक्स ए मॉलिक्यूल्स एज एनर्जी वाइल एनारोबिक जो है वो टू एटीपी की ही जो है एनर्जी वो रिलीज कर पाता है वी आर डूइंग कंटिन्यूस हार्ड वर्क तो हम लोगों को मतलब क्या होता है कई बार जब भाग रहे होते हैं तो मसल्स में पेन होने लगता है वो होता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन से हमारे मसल्स में क्रैम्प पड़ते हैं यानी कि दर्द होने लगता है पैरों में वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होता है लैक्टिक एसिड कैसे फॉर्म होता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें जितनी चाहिए होती है ना हमारी बॉडी को उससे हमें कम मिलती है तो ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरोवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तीन कार्बन कंपाउंड्स में ए टी पॉलीक्यूल प्रोड्यूस जूरिंग रेस्पिरेशन यूज फॉर अदर एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द सेल काफ़ी सारे देखो दो तरीके के रिएक्शन होते हैं एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक जो है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तो ए टी पी मॉिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरीशन के टाइम पर काफ़ी सारे हमारी बॉडी के सेल्स में एनर्जी के लिए वो हमें यूज़ फिर हम उसको करते हैं एनर्जी को अब देखिए एरोबिक ऑर्गेनिज्म इंश्योर सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो मतलब जितने भी हैं चाहे वो हाथी हो चाहे वो डॉल्फिन हो है ना जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि सांस लेते हैं ऑक्सीजन की जिनको जरूरत होती है वो अपना सप्लाई ठीक ठाक मेंटेन करने की कोशिश करते हैं हायर एनिमल्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सप्लाई ऑक्सीजन हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसान है हमारा पूरा एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए प्लांट्स में जो होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई ऐसे प्रॉपर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते उसमें क्या होता है लार्ज इंटर स्पेस होता है मो सेल्स कॉन्टैक्ट विथ एयर तो जैसे पेड़ों में इस तरीके के सेल्स होते हैं और ये सेल्स खुद ही एयर से कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं स्टोमेटा की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ डेड सेल्स लेंटल्स स्टेम ठीक है तो जो स्टोमेटा की हेल्प से पेड़ों में आसानी से गैशियस एक्सचेंज हो जाता हो जाता है उनका कोई इंसानों की तरह रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम नहीं होता है फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देती है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज़ करते हैं तो मतलब ऑक्सीजन प्लांट जो है वो दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं यही उनका एक तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस वहाँ के मतलब सेल्स जो उनके स्टेम वगैरह पे सेल्स होते हैं उससे ही हो जाता है एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स इवॉल्व होते हैं मतलब हर एनिमल में कोई ना कोई लंग या कुछ ना कुछ जिस टाइप का ऑर्गन होता है जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पर दे रखे हैं जैसे कि अगर हम उस स्पॉन्जेज या फिर फ्लैट या कोलेंटेराटा के बारे में देखें तो इनके सिंपल डिफ्यूजन मतलब अपनी स्किन से ही ये लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं अर्थ फॉर्म्स में मॉइस्ट क्यूटिकल्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन लेते हैं इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है एक्वेटिक एनिमल फिश जैसे उसमें ऑक्सीजन लेने के लिए गिल्स होती हैं स्पाइडर्स में बुक लंग्स होते हैं रेप्टाइल्स और मेमल्स यानी कि जैसे गाय भैंस और इंसान इसमें हमारे प्रॉपर लंग्स हमारे पास होते हैं सांस लेने के लिए एक्वेटिक एनिमल यानी कि पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और एकवेटिक एनिमल काफ़ी ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करते हैं क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन होती है वो कम होती है इसलिए मछलियों को ज़्यादा तेज तेज सांस लेनी पड़ती है क्योंकि लो ऑक्सीजन कंटेंट है उनको ऑक्सीजन तो चाहिए तो वो फटाफट जल्दी जल्दी सांस लेते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन इज लो इन वाटर कंपेयर टू एयर हवा से कम होती है पानी में ऑक्सीजन इसलिए जो फिश है वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन अगर हम देखें काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाते हैं काफ़ी मतलब और प, 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 बारीक मतलब जैसे इस तरीके से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बारीक बारीक ताकि इजीली जो है ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए मॉइस्ट रहते हैं और बॉडी के अंदर होते हैं अगर हम मेमल्स की बात करें ह्यूमंस की तो इन ह्यूमन्स द इंटेक ऑफ ऑक्सीजन इज डन थ्रू नोस्ट्रल तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नाक से ही बाहर छोड़ते हैं पासिंग ऑफ एयर थ्रू द नोस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज द म्यूकस लिनिंग वॉम द एयर तो देखो हमारी नाक में बाल होते हैं और वो एक छन्नी का काम करते हैं जो बाहर से हवा आ रही होती है उस उसमें जो गंदगी होती है यानी कि बाहर के एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गंदगी हमारे अंदर बॉडी के अंदर ना जाए वो नाक में ही ट्रैप हो जाती है और म्यूकस की लिनिंग जो नाक साफ नाक की गंदगी होती है वो म्यूकस की लिनिंग होती है और वो मतलब क्लीन हम लोगों को करना पड़ता है जो क्योंकि वो गंदगी उसमें ट्रैप हो रही होती है हमारी नाक में फिर उसके बाद क्या होता है दिस एंश्योर दैट द एयर प्रेशर डज नॉट को तो ये वाला वो तो ये हो गया ठीक है एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इन टू द लंग्स तो हवा हम लोगों ने नाक से ली फिर उसके बाद ये जो है गले से लंग्स तक हमारी जो ये हवा या ऑक्सीजन पहुँचती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन थ्रोट तो जो गला होता है ना यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं ताकि जो एयर का पास पैसेज है वो कोलेप्स ना हो मतलब हवा अच्छे से चली जाए इस तरीके, इसलिए एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है ताकि जो हवा है ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में वो ईज़िल ट्रैवल कर जाए नाक से गले से लंग्स तक इनसाइड द लंग्स, द पैसेज डिवाइड इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स तो लंग्स के अंदर जो है पैसेज जो है वो छोटी 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 चीजें ये इस तरीके से छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है काफ़ी बारीक बारीक विच फाइनली टर्मिनेट इंटू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एल तो ये बारीक 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 जो ऐसी नलियाँ आप कह सकते हैं और फिर उसके बाद एक बलून जैसा स्ट्रक्चर इसमें बनता है जिसको हम लोग एल बोलते हैं द एल प्रोवाइड अ सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस द वॉल्स ऑफ एल कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई एल जो होती है उसका क्या काम होता है तो एल एक सर्फेस एरिया प्रोवाइड करती है जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज आराम से हो सके तो एल An of blood so, की जो वॉल होती है वो काफी मतलब उसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स के लिए वेन वी ब्रीद इन जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं हमारी रिब्स जो है ये देखिए यहाँ पर जब हम अंदर की तरफ सांस ले रहे हैं ना हमारी रिब्स जो है वो आ रिब्स फ्लैट एंड फ्लैटन आर डाइफ्राम तो हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाता है और चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाती है तो बिकॉज ऑफ दिस द एयर इज़ सक्ड इन द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल तो हम जब हम अंदर चांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो हवा से भर जाते हैं और उसकी वजह से एल काफ़ी एक्सपैंड हो जाता है तो जब हम सांस ले रहे होते हैं हमारी जो रिब्स है वो फ्लैटन हो जाती हैं डायफ्राम जो है हमारा इस तरीके से फ्लैटन हो जाता है और चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है चेस्ट कैविटी तो बड़ी होगी क्योंकि सांस अंदर आई है है ना और जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ एक्सहेल करने का मतलब सांस बाहर छोड़ना जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो डायफ्राम है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है ठीक है जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है जब हम इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी इन टू द लंग्स तो ब्लड की मदद से जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आती है एंड द ऑक्सीजन इन द एलवियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एलवियोलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी फिर उसके बाद देखो पूरी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स तक आती है और एल्वियोर एयर से जो है एल्वियोर की मदद मतलब से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में चली जाती है तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग लंग ऑलवेज कीप रेसिडल वॉल्यूम ऑफ एयर सो सफिशियंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो ब्रीदिंग के टाइम पर रंग में कुछ बची हुई हवा होती है ताकि मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है मतलब ऑक्सीजन अंदर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है अच्छे से हो सके इसलिए तो मतलब ये जो है लंग्स में थोड़ी रेसिडुअल एयर हमेशा रहती है तो ये था पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर चली जाती है नाक से सांस लेते हैं लंग्स में जाती है ब्लड वेसल्स यहाँ पे काफ़ी सारी वेसल्स होती हैं फिर एल में वहाँ पे हवा भरती है फिर जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से पूरी बॉडी में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरी बॉडी से लंग में आती है यहाँ पर फिल्ट्रेशन वग़ैरह होता है और पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टाइम पर मतलब जब ऑक्सीजन आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड आ रही बाहर जा रही है उस समय पर लंग्स में कुछ समय के लिए जो है एयर बची रहती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली हो पाए तो यही था इसमें थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा नहीं है छोटा सा ही टॉपिक था होपफुली आपको पसंद आया होगा थैंक यू सो मच